सो दोस्तों, अगर आप एक नए क्रिएटर हैं और आप भी चाहते हैं कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं उनकी तरह थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं, उनकी तरह फॉन्ट यूज करना सीखना चाहते हैं, सो आज की इस वीडियो में 79,000 फॉन्ट के बारे में बताने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट बंडल के बारे में बात करने वाला हूं, जहां से अपने मनपसंद का फॉन्ट जो है आप यूज कर पाएंगे, जो कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर यूज करते हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही कुछ आप जो है मिस करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादा देरी न लगाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों, एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल क्रोम पे चले जाना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद जो है यहाँ पर आपको टाइप करना होगा द फॉन्ट, ओके। जैसे ही आप टाइप करेंगे, फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखेंगे, लिखा हुआ है द फॉन्ट। यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 79,000 आपको फॉन्ट जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो 79,000 में आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो कैटेगरी है यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, तो यहाँ पर आपको फिल्टर करने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाता है फैंसी, उसके बाद कार्टून, कॉमिक मिल जाता है, ग्रोवी, ओल्ड से मिलकर भी, वेस्टर्न, यूरोप, मतलब कि हॉरर, जो भी आपको चाहिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से उस फॉन्ट को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके चैनल पर आपके थंबनेल में कौन सा फॉन्ट लगेगा, कौन सा सूटेबल बैठेगा, उस चीज़ को भी जानना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, जो कि मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि आपके कैटेगरी के हिसाब से कौन सा फॉन्ट सूटेबल बैठेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले कुछ समझने का प्रयास करिए यहाँ पर कौन सी कैटेगरी लिखी, जैसे फैंसी, उसके बाद फॉरेन लुक, टेक्नो, ठीक है, बिटमैप, उसके बाद गोथिक्स, बेसिक, स्क्रिप्ट, डिंग बैट्स, उसके बाद हॉलीडे। चलिए तो ये सारे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा और नीचे जाने के बाद थोड़ा सा इसका जूम आउट ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे जो फॉन्ट मिलते हैं। तो यहाँ से हम जो डाउनलोड करने वाले हैं, यहाँ से जैसे कि हॉरर में डाउनलोड करता हूँ, ओके। अब हॉरर में देखेंगे कुछ इस तरह से, देखिए कितने सारे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हॉरर। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हॉरर जो फॉन्ट होते हैं आपको कहाँ पर यूज करना है। जैसे अगर आपका कोई सस्पेंसिव चीज़ बनाते हैं, कोई डरावना कार्टून बनाते हैं, डरावनी वीडियो बनाते हैं, तो उस जगह पर कुछ इस तरह के फॉन्ट यूज होते हैं, ठीक है। वो चाहे आपका कोई भी कैटेगरी हो, कई बार रहता है कि कैटेगरी आपकी ब्लॉग की हो सकती है, कॉमेडी की हो सकती है, ठीक है। जैसे उस तरह की जगह पर आप गए हैं तो वहाँ से आप जो हैं इस तरह के फॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ और इसको पिक्सल लैम में ऐड करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो प्रॉपर आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने हॉरर पे किया था, उसके बाद हॉरर पे बहुत सारी इस पे भी कैटेगरी हैं। देखिए नंबर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, लास्ट में जैसे जैसे आप जाएंगे यहाँ पर नंबर जो है बदलता जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी आप जो है चेंज कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना है। तो यहाँ से मैं कोई भी अभी ले लेता हूँ और डाउनलोड करके ऐड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको ही डाउनलोड कर लेता हूँ, ब्लड लस्ट, ओके। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये यहाँ पर आपको साइड में मिल जाता है डाउनलोड का ऑप्शन, सिंपली इस पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है देखेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, ओके। हमने डाउनलोड कर रखा है, ये डाउनलोड अगेन के लिए पूछ रहा है। अब डाउनलोड होने के बाद जो है यहाँ पर सिंपली आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखेंगे आपका जो फॉन्ट रहेगा वो डाउनलोड हो चुका है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर इसको ओके कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपकी जो फाइल डाउनलोड रहेगी वहाँ पर ये डाउनलोड होगा। चलिए मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको, अपने फाइल पर जाना है आपको, ओके। तो अपने फाइल पर आपको जाना है, जो भी आपकी फाइल गैलरी रहेगी वहाँ पर जाने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है। और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जो है वहाँ पर देखेंगे जो भी आप फाइल डाउनलोड किए होंगे ये सारी फाइलें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने जो डाउनलोड कर रखा है ये देखिए, ये जो है जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो आपको जिप फाइल मिलेगी, तो इसको करना है आपको एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है,
क्लिक करने के बाद आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है किसी भी आपकी जो फाइल रहेगी उसको कैसे आप ओपन करेंगे फोल्डर के माध्यम से, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। जस्ट वंस मैं करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट नीचे यहाँ पर साइड में देखेंगे कॉर्नर पे आ रहा है, ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोबारा से एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब ये फाइल जो है हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब सिंपली इसको बंद कर देना है। डाउनलोड होने के बाद जो है पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। देन उसके बाद जो है प्लस वाले आइकॉन पे जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ भी नाम अपना। ओके, डन पर हमने क्लिक किया, ओके कर देंगे। अब इसका साइज़ जो है हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो देखने में अच्छा लगेगा। अब जाएंगे हम ए वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाता है ए वाला ऑप्शन। यहाँ पर नीचे देखेंगे ए लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करने है, मतलब कि टिक कर लेना है। उससे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है जो आपने लिखा है टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉन्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तीन यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलेगा फॉन्ट, माई फॉन्ट, उसके बाद रिसेंट जो आपने यूज किया होगा। फॉन्ट्स में पहले से जो प्रीसेट डाउनलोड होते हैं वो फॉन्ट यहाँ पर अपलोड होते हैं, ठीक है। माई फॉन्ट में जो आप अपलोड करेंगे वो वाले होते हैं जो मैनुअल करना होता है। तो यहाँ पर साइड पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर साइड में देखेंगे आपको मिलता है एक फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर पर आपको क्लिक करना है। इस फोल्डर पर क्लिक करने के बाद जो है आपकी फ़ोन के गैलरी पर ये ले जाएगा जो आपकी फ़ोन में स्टोरेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना होगा डाउनलोड पर, जिस फोल्डर में आपका डाउनलोड हुआ था, एक्सट्रैक्ट किए थे फ़ोन, वहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ पर देखिए हमने पहले से ऑलरेडी कुछ जो है डाउनलोड कर रखे थे, तो आप नीचे जाएंगे तो आपका मिल जाएगा जो हमारा था वो था ब्लड लस्ट, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इसको डाउनलोड किया था, ठीक है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे ध्यान से देखिए, हम इस पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद जो है एक्सट्रैक्ट फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा ऐड का बटन, ठीक है, ये ऐड का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए ऐड हो चुके हैं, ठीक है। माई फॉन्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी हमारे पास पहले नहीं थे, अभी देखेंगे बहुत सारे जो हैं हमारे फॉन्ट जो हैं ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐड कर लेना है। सपोज़ दैट अगर आपके पिक्सल लैब में ये फॉन्ट ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो का, जो वीडियो में हमने बता रखा है कि आपको पिक्सल लैब जो है कैसे आपको डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है जिससे आप ये फॉन्ट को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ से कोई भी फॉन्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। चलिए देखिए अभी कुछ इस तरह से ये फॉन्ट आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम थोड़ा सा कलर देंगे, यहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे और कोई भी कलर दे देते हैं। चलिए मैं रेड कलर देता हूँ, देखिए लग रहा ना का जब का? ओके, हम यहाँ से थोड़ा सा इसका जो अभी बैकग्राउंड है उसको मैं चेंज करता हूँ और देखिए कितना अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो से अगर तनिक भी आपकी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। अगर आपका फॉन्ट जो है अपलोड नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का मैं आंसर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।